मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के अनुसार गांवों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। नौजवानों को घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर सृजित करवाए जाएंगे। कंजर्वेशन मॉडल के तहत मनरेगा के साथ जोड़कर पानी व जमीन की उपलब्धता के मद्देनजर फ्री ऑफ कॉस्ट तालाब भी बनाए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सीड और फीड के लिए 60% सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नौजवानों को ट्राउट फिशिंग के लिए फ्री से रेस वे निर्मित किए जाएंगे ताकि वे घर द्वार पर आर्थिक उन्नति कर सकें और स्वरोजगार अपना सकें। कोल्डम के विभाग की ओर से किए गए नए प्रयोग रेनबो ट्राउट की बिक्री पर आए संकट को लेकर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से मार्केट बंद हुई है, जिससे सारा कामकाज प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि अब तक ट्राउट को उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया है। उन्होंने मत्स्य निदेशक को निर्देश भी दिए कि रेट डाउन कर ट्राउट बिक्री की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में पतली कुल व दूसरे फॉर्मों में तैयार होने वाली ट्राउट को कॉल डैम में मात्र 4 माह की अवधि में तैयार कर विभाग ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र भी हैं। मत्स्य विभाग को लेकर के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो हमें एक प्रोजेक्ट बना करके हमें भेजा है और उसके फर्स्ट फेज में जो है वो हमें 45 करोड़ रुपए की जो है वो सब्सिडी मिली है। हम गांव के अंदर नौजवानों को रोजगार देने के लिए और इस योजना को लोगों तक पहुंचाएंगे और इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल के ऊपर मनरेगा के साथ भी जोड़ेंगे कि हम कोई नौजवान अगर आता है कि मैं जो है वो काम करना चाहता हूँ, तो अगर हमारे यहाँ पर तालाब है, पानी है, तो हम तालाब भी मनरेगा से फ्री में बना करके उसको दे देंगे और 60% की सब्सिडी जो है सीड में और फीड में वो भी जो है वो प्रावधान हमारे पास है, हम उसमें भी देंगे। और उसी तरह से जो ट्रॉट फिशिंग है, ट्रॉट मछली के पालन में भी हम वो रेस में भी हम फ्री में मनरेगा के माध्यम से बनाने की व्यवस्था हमारे पास है, हम वो भी करेंगे। सर, देखने में आ रहा है कॉल डैम में ट्राउट मछली नहीं बिक पा रही है, तो उसको लेकर कोई नई स्कीम करेंगे कुछ या कुछ नया? उसमें हमने विभाग के अपने डायरेक्टर साहब को बोला है, इसको देखे अगर थोड़ा बहुत रेट कम करके भी अगर बेची जा सके उसको बेचा जाए, क्योंकि ये तो अब प्राकृतिक है। बीच में कोरोना आया, कोरोना के कारण सारी मार्केटें बाजार बंद हो गए और उसी के जंक्शन बंद हो गए, इसके कारण। लेकिन मैं बधाई देता हूँ विभाग को कि उन्होंने इसका नया प्रयोग कॉल डैम में किया है और ये जो दूसरी ठंडे पानी से जैसे हम पतली कुल में या दूसरे फार्मों में देखते हैं, दूसरे रिश्वे में देखते हैं, तो वो ज़्यादा समय में वहाँ पर वो मछली तैयार होती है ट्राउट, लेकिन हमारे कोल्ड डैम में जो है वो 4 महीने में उतनी साइज़ की मछली जो 4 महीने में तैयार होती है। एक बधाई की एक नया प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया है।